वर्ष 2015 में पद्मश्री से सम्मानित जनक पलटा का जन्म चंडीगढ़ के पंजाबी परिवार में हुआ। जनक पलटा ने इंग्लिश लिटरेचर पॉलिटिकल साइंस में एमए की डिग्री प्राप्त की। ब्रिटिश नागरिक जिमी मिगलिगन से शादी के पश्चात मध्य प्रदेश के औद्योगिक शहर इंदौर को अपनी कर्मस्थली बनाया। जनक पलटा जी कई वर्षों से आदिवासी महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य कर रही हैं और आदिवासी क्षेत्रों में उनकी लोकप्रियता इस बात का सबूत है। मृदुभाषी और व्यवहार कुशल जनक पलटा ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार कार्य कर रही हैं। इंदौर में स्थित बर्ली डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में श्रीमती जनक पलटा ने अपनी सेवाएं प्रदान की और आदिवासी महिलाओं को विभिन्न कलाओं की ट्रेनिंग प्रदान की। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में इन्होंने नित नए प्रयोग किए जिन्हें ग्राम सनावदिया में स्थित इनके आवास पर देखा जा सकता है। जनक पलटा और इनके पति जिमी मिगलिगन ने अपनी मेहनत और कार्यकुशलता से विंड पावर का इस्तेमाल कर ग्राम सनावदिया के निवासियों को बिजली प्रदान की। जनक पलटा आज भी प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग कर लोगों में जन जागरण का प्रयास कर रही है। डॉक्टर जनक पलटा मिगलिगन एक सामाजिक कार्यकर्ता, समाज विज्ञानी तथा एक समर्पित पर्यावरणविद है। आप विगत 30 वर्षों से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रही हैं। आपका जन्म फरवरी 16, 1948 को हुआ। आपने वर्ष 1972 में अंग्रेजी विषय, वर्ष 1976 में राजनीतिक विषय से एमए तथा वर्ष 1981 में पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से विशेषता के साथ राजनीतिक विज्ञान में एमफिल की डिग्री हासिल की। आपने वर्ष 2004 में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में अपनी पीएचडी भी पूरी की। ग्रामीण एवं औद्योगिक विकास अनुसंधान केंद्र चंडीगढ़ में शोध फेलो पद से त्यागपत्र देकर बर्ली डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट फॉर रूरल वुमेन स्थापित करने एक बहाई पद प्रदर्शक के रूप में इंदौर में आ गए। इस संस्थान के निदेशक के तौर पर अपनी 26 वर्ष की सेवा के दौरान आपने 6000 से अधिक युवा आदिवासी और ग्रामीण महिला को प्रेरित करके उन्हें सबल बनाया, जिनमें से अधिकांश मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और भारत के अन्य राज्यों के गांवों से सर्वाधिक निरक्षर तथा सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े परिवेश से आती है। वर्ष 2011 में आपने संस्थान में 100 आवासीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के विकास और संचालन तथा 8 पाठ्यक्रम पुस्तकें तैयार करने सहित उल्लेखनीय शैक्षणिक और शोध कार्य करने के पश्चात वर्ष 2011 में आपने संस्थान का दायित्व अपने उत्तराधिकारी को सौंप दिया। आप नव साक्षर आदिवासी एवं ग्रामीण महिलाओं के लिए मासिक न्यूज़लेटर कोकिला की संस्थापक संपादक हैं, जिसे आपने वर्ष 1993 में प्रारंभ किया तथा बाद में इसका नाम बदलकर बर्ली की दुनिया कर दिया था। झाबुआ जिले के 302 गांव में गिनी कृमि के सफल उन्मूलन में अपना योगदान दिया था। वर्ष 1987-88 में उन गांव में 302 दिन तक रहकर स्थानीय लोगों को इसका मुकाबला करने का प्रशिक्षण दिया। जून 2011 में आपके पति के निधन के पश्चात सनावदिया गांव में आ गई तथा मिशन को जारी रखा। ये कुकर जो है, इस कुकर में 20 लोगों तक का खाना आराम से बनता है। इसमें तलना, बेकिंग करना, डीप फ्राइंग करना, बघार लगाना, कुकिंग करना, इस पे कपड़े प्रेस भी हो जाते हैं अगर अपने पास खाली प्रेस है तो, कोयले वाली प्रेस या ऐसी प्रेस जिसका बिजली का फेल हो गया फिलामेंट, उसको भी रखेंगे तो कपड़े प्रेस हो जाते हैं। ये जर्मन से है, इसका नाम SK-14 है। इसकी कीमत भी लगभग 10,000 रुपये है, लेकिन मुझे ये सारे कुकर्स पुरस्कार में मिले हैं या सम्मान में मिले हैं। मेरा ये कलेक्शन है। अभी ये पद्मश्री होने पर इसके जो बनाने वाले हैं धुलिया में, उन्होंने ये दिया है। ये कुकर में भी, ये धुलिया में बना है, प्रिंस इसका नाम है। आप देखिए आगे पानी इसका उबलता हुआ। ये शेफलर किचन है। ये ऐसा कुकर है जो ऑटोमेटिकली सूर्य के साथ चलता है 12 घंटे। ये यहाँ पर खाना बनता है। वास्तव में ये सोलर चूल्हा है, बाहर डिश है, खाना इस पे बनता है। आप देख रहे हैं कि केतली उबल रही है, पानी उबल रहा है चाय बनाने के लिए, और इसमें उतना ही टाइम लगता है जितना गैस में लगता है, बल्कि गैस से भी जल्दी होता है ये। और यहाँ पर ये
ये यही किचन है, यही गैस है, और इसमें कुछ भी लागत नहीं है, कोई भी पैनल नहीं लगते हैं, कोई बाहर से पावर की जरूरत नहीं है ऑपरेट करने के लिए। और ये एक छोटा चूल्हा हम लोगों ने बनाया है, बाहर हम न्यूज़पेपर के वेस्ट पेपर से ये ब्रिकेट्स बनाते हैं ऊर्जा। ये हमारी अपनी एक छोटी सी मशीन है, बरसात के दिनों में हम यहाँ अपना खाना बनाते हैं इसके ऊपर, और ये हमारी अपनी उपज है यहाँ पर, जो चीज़ें हमने अपने खाने के लिए, अपना लहसुन, अपना साल भर के लिए जो भी चीज़ें, हमारी हमारी गाय का भोजन भी इसी पे बनता है, सोलर पे। ये यहाँ का हमारा पर्सनल ब्रिकेटिंग यूनिट है, ये मेरे हस्बैंड जिमी मगिलिगन, उन्होंने पहले बनाया था और उन्हीं से सीख कर ये नंदा और राजेंद्र यहाँ के ट्रेनर हैं, इन्होंने ये यूनिट बनाया है। और यहाँ पर हम क्योंकि बाहर से दूसरी कोई चीज़ नहीं लाते हैं, लेकिन मेरे घर में 3 न्यूज़पेपर डेली आते हैं, तो बरसात के दिनों में जब धूप नहीं है खाना बनाने के लिए, ये ब्रिकेट्स बनाते हैं हम, जो बहुत कम धुएं से चलता है। और ये आपको बना के बताएंगे, इसमें केवल ओल्ड न्यूज़पेपर है और थोड़ा बहुत ये एग्रो वेस्ट है। 2 किलोवाट का एक हाइब्रिड पावर स्टेशन है, एक विंड मिल है 1 किलोवाट का, 1 किलोवाट के ऊपर सोलर पैनल लगे हुए हैं, उन दोनों का ये पावर स्टेशन है जिसमें बैटरीज और इन्वर्टर है। यहाँ से पावर AC-DC वो कन्वर्शन होके और उधर लाइन है हमारे गांव के इस भाग के क्षेत्र में, आदिवासी एरिया है, मोहल्ला है, ये स्ट्रीट लाइट्स हैं, 19 स्ट्रीट लाइट्स यहाँ से जलती हैं। और इसकी जब बनाया गया था तो डेली कॉलेज, राउंड स्क्वायर इंटरनेशनल और हम लोगों ने, मेरे हस्बैंड और मैंने, हमारी प्रॉपर्टी पे लगाया है, और मैं इसका पर्सनली, हम लोग सब यहाँ से इसकी देखभाल करते हैं, इसमें किसी की फंडिंग इन्वॉल्व नहीं है। केवल बनाने के टाइम पे दिल्ली कॉलेज ने इसका इक्विपमेंट खरीद के दिया था, इसके खंबे सब मेरे हस्बैंड ने उनके हाथ से बनाए थे, और इसका आर्मेचर वगैरह उन्होंने लेके दिया था। और अभी पिछले 5.5 साल से ये लाइट जलती रहती है, ये कभी बुझी नहीं है। ये 2400 स्क्वायर फीट छत ऊपर का पानी, 280 फीट लंबी पाइप यहाँ लाई गई है, ये नंदा और राजेंद्र हैं, ये इन्होंने खुद ही यहाँ पर ये पाइपलाइन डाली है। और ये 6x6 फीट अंदर से गोल है ये जो गड्ढा बनाया गया है, और ये हमारे गांव के सरपंच हैं, उनके नेतृत्व में और आसपास के गांव के भी लोगों को, तिलोर गांव के भी और सनावदिया के भी, गांव के पंचायत के सरपंच और बाकी लोगों को भी यहां ट्रेनिंग दी है। ये गड्ढा खोदा गया 6x6 और 5 फीट गहरा है ये, इसमें नीचे 1.5 फीट भरा है उसको बड़े बोल्डर के साथ, उसके बाद गिट्टी डाली गई है करीब 1 फीट, उसके बाद करीब 1 फीट ईंट के टुकड़े डाले गए हैं, उसके बाद इसमें ये बारीक चूरी डाली गई है रेती, और उसके बाद इस पे ये बांस की चटाई फिल्टर करने के लिए डाली गई है। और ये विशेष तौर पर बोरिंग से 4 फीट दूरी पे बनाया गया है, और यहाँ भी ये जो पत्थर डाले गए हैं इसलिए कि पानी फिल्टर होके अंदर जाएगा। हमें ऐसा बताया गया है कि अगर बरसात अच्छी आई तो पूरी बरसात में करीब 2 लाख लीटर पानी यहाँ से अंदर जमीन में बोरिंग के लेवल के नीचे जमा हो जाएगा। और हमारा उद्देश्य लोगों को ट्रेनिंग देना था, अपना तो करना ही था, पर और ये RES के सब इंजीनियर गवर्नमेंट की तरफ से आए थे उनके मार्गदर्शन में, और हमारे सरपंच भारत पटेल उन्होंने खुद अपने हाथ से ये सब पत्थर वगैरह भी डाले और सहयोग से बनवाया ये सारा। गांव सनावदिया के जो विकास के कार्य थे, और हमारे गांव में एक गरीब बस्तियां ज़्यादा है, और उन्होंने पढ़ने की क्षमता जो थी वो स्कूल जाने की जागरूकता कम थी, उसमें हमने दीदी जो जनक दीदी हमारे यहाँ पद्मश्री निवास करती हैं,
उनके मार्गदर्शन में उन मोहल्लों से बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित किया और उनके ये सब करने के बाद हमारे गांव में पढ़ने वालों की संख्या बढ़ी है और गांव में स्वच्छ भारत अभियान के तहत हमने दीदी और हमने मिलके गली गली गांव गांव घर घर जाके लोगों को समझाया और शौचालय बनवाए, उनको बाहर जाने शौच करने के लिए समझाइश दी तो वो समझे। साथ में हमारे स्कूल में खाद्यान्न जो भोजन बनता है उसकी स्वच्छता और अच्छा जो भोजन बनता है उसकी क्वालिटी के ऊपर मेंटेन किया। उसके बार बार दीदी भी जाके चेकअप करवाती है और मैं भी मेरे हिसाब से जब होता है मैं चाहे जब जाके उनको खाना बनाने वालों को समझाइश दे के और अच्छा भोजन बच्चों को वितरित करवाता हूँ। साथ में मेरे गांव में आसपास आसामती नदी है, उसका गहरीकरण लास्ट ईयर भी मैंने सरपंच बनते ही वो काम किया था और अभी भी उस नदी का गहरीकरण चल रहा है। और हमारे गांव में पानी की जो क्षमता है गांव में वो थोड़ी सी कुछ एरियों में ज़्यादा दिक्कत वाली है, उसके लिए हमने हेडपम्पों को रिचार्ज करने के लिए, बोरिंगों को रिचार्ज करने के लिए सोखते गड्ढे बनवाए हैं, जो एक हमारे जनक दीदी के घर पर जो ट्रेनिंग के रूप में किया, मैंने खुद ने उसमें श्रम किया और आसपास के गांव के लोग भी आए और स्कूल के बच्चे कॉलेज के बच्चे आके और जन सहयोग से उस काम को निपटाया और उसमें दीदी का अहम योगदान रहा कि हम उन्होंने ट्रेनिंग दी और मार्गदर्शन देते रहते हैं। दीदी ने यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए एक ट्रेनिंग आयोजित की है और सुबह 10 बजे से लगा करके 1 बजे तक कोई भी विजिट कर सकता है। हालांकि मैं बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ तो यही सेंटर में विजिट करने के लिए और ये देखने के लिए कि किस तरह से हम अपने क्षेत्र का जो है वाटर लेवल बढ़ा सकते हैं और ये जो मुसीबत आ रही है पानी की, आज चारों तरफ त्राही त्राही हो रही है, तो इसको किस तरह से हम कर सकते हैं। तो मेरे दिमाग में भी आया कि मेरे भी हॉस्पिटल में जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो है इस तरह की हम योजना बना सकते हैं, तो उसको देखने के लिए, समझने के लिए और उसकी ट्रेनिंग लेने के लिए आज मैं ये यहाँ पे इस सेंटर में आया हूँ। पानी शहरों में अगर बात करें तो हम पानी काफ़ी वेस्ट करते हैं, यहाँ पूरा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का ट्रेनिंग दिया है दीदी ने, जिसमें हमने एक एक चीज़ की कैसे गड्ढा खोदना है, पाइपलाइन डालनी है और कैसे सारी चीज़ें करना है, तो वो फुल ट्रेनिंग है। प्लस हमारे पास फ्री रिसोर्सेस है, एनर्जी, सनलाइट, हम उसको वेस्ट कर रहे हैं, दीदी उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, उससे हम लोग खाना बनाते हैं, बेकिंग करते हैं, सारा कुकिंग उससे होता है। प्लस जो लाइट है वो भी हम सोलर एनर्जी से यूज़ करते हैं, लाइक हम लोग वो वेस्ट कर रहे हैं लेकिन यहाँ सारा कुछ यूज़ हो रहा है वो। प्लस एक चीज़ और है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का है, तो वो काफ़ी अच्छा है कि जैविक खेती के बारे में दीदी से जानने को मिला और जैविक सेतु जो दीदी ने फॉर्म किया है, जिसकी फाउंडर मेंबर है दीदी, तो वहाँ से भी काफ़ी कुछ जानने को मिलता है कि हम लोग अभी तक सिर्फ केमिकल खा रहे हैं और खुद की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, पर दीदी के यहाँ आके पता चला कि जैविक के फ़ायदे क्या क्या हैं। 30 मार्च 2015 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन में डॉक्टर जनक पलटा मिगलिकन को पद्मश्री से सम्मानित किया। 66 वर्षीय डॉक्टर जनक पलटा 30 सालों से ग्रामीण उत्थान के लिए कार्य कर रही हैं। आइए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं पद्मश्री डॉक्टर जनक पलटा मिगलिकन से। मैं चंडीगढ़ से 1985 में एक बहाई पायनियर के रूप में इंदौर आई। मुझे भामोरी में एक 6 एकड़ ज़मीन दी गई जिसमें आदिवासी लड़कियों और महिलाओं के लिए प्रशिक्षण संस्थान शुरू करना था और उस ज़मीन पर कुछ नहीं था। 1985 से उस संस्थान में, संस्थान के विकास के साथ साथ 500 गांव झाबुआ, धार, खरगोन और फिर इंडिया के बहुत सारे आदिवासी एरिया से मुझे 500 गांव में जाकर रहने का, सीखने का अवसर मिला और वहां से 6000 लड़कियां 26 साल में वहां रहते हुए हमने प्रशिक्षित की। उस संस्था का नाम भी मैंने दिया बरली ग्रामीण महिला विकास संस्थान। बरली शब्द का शाब्दिक अर्थ है आधार से स्तंभ,
तो मैंने सोचा कि महिला ही आधार स्तंभ है, तो बरली यानी महिला, अगर महिला सशक्त होती है तो आने वाली पीढ़ियां सारा विकास अपने आप सस्टेन करेगा। तो वो जो 26 साल मेरे जीवन के, मैं और मेरे पति स्वर्गीय श्री जिमी मगिलिगन, जो एक ब्रिटिश नागरिक थे, वो भी बहाई धर्म के अनुयायी थे, और 1988 से लेकर 2011 तक हम दोनों ने उस संस्थान को बनाया, और उस संस्थान ने हमें एक जीवन का उद्देश्य दिया। हमने जो वहाँ सीखा, हमने ऐसी लड़कियों के साथ काम किया जो कभी स्कूल नहीं गई थी, निरक्षर थी, लेकिन एक समग्र विकास की परिभाषा उस संस्थान के माध्यम से हमारे जीवन में परिभाषित हुई कि इंसान इस दुनिया में ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है, और सर्वश्रेष्ठ बनना का मतलब अपने अच्छे कर्म करना है, और जीवन में अपना, अपने परिवार और अपने समुदाय का विकास करना है। इसी उद्देश्य के साथ वो संस्थान में सेवा दी। बरली ग्रामीण महिला विकास संस्थान एक विश्व स्तर का एक ऐसा संस्थान जो पर्यावरण को लेकर एक मॉडल बना, जहां सेंट्रल इंडिया का पहला सोलर किचन बना, वहां 300 दिन साल में नाश्ता, दोपहर और रात का खाना सोलर से बनता है। 1998 से लेकर जो मेरे पति ने वहां पर सोलर किचन बनाया, और वहां से अनेकों लड़कियां 500 गांव में सोलर किचन लेके गईं, और वो सोलर कुकर जो वहां से लेके गईं, उससे केवल अपना उनके काम आ रहा है, इतना ही नहीं, उन्होंने उससे अपनी आजीविका भी कमाई। कोई महिला सोलर कुकर से अपना सोलर टी स्टॉल चला रही है, कोई अपने नमकीन बना के बेच रही है, कोई अपनी आंगनवाड़ी में दलिया बना के बेच दे रही है। तो इस प्रकार से उनका साक्षरता, स्वास्थ्य और उनका अपना और उनके समुदाय का विकास में उन्होंने भागीदारी दी। आज वो लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी हैं, उनके परिवार आगे बढ़े, और संस्थान का पूरे विश्व स्तर पर एक नाम स्थापित हुआ कि संस्थान ने सस्टेनेबल विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एक विशेष भूमिका निभाई। मेरा सौभाग्य है कि मैंने और मेरे पति ने ये भी तय किया था कि हम लोग समय रहते संस्था से रिटायर हो जाएंगे, लोगों को तैयार करेंगे, तो हमने अपनी उत्तराधिकारी चुने, अपने उत्तराधिकारियों को तैयार किया, और 26 साल की सेवा के बाद हमने ये तय किया कि हम लोग किसी गांव में रहकर, मेरे पति हालांकि ब्रिटिश नागरिक थे, उनका वहां घर भी था उत्तरी आयरलैंड में, लेकिन उन्होंने और मैंने, हम दोनों ने ये निर्णय लिया कि हम लोग अपना जीवन का अंतिम चरण एक गांव में जाकर रहकर वो काम करेंगे जो हमने 26 साल बरली ग्रामीण महिला विकास संस्थान में सीखा। तो हमने ये घर, ये जगह जहाँ पर हम बैठे हैं, सनावदिया गांव, इस जगह पर हमने ये टेकरी के ऊपर विशेष तौर पर ये जगह इसलिए चुनी कि यहाँ पर एक सोलर और विंड पावर स्टेशन बनाया, और उससे यहाँ के 50 परिवारों को बिजली फ्री दी जा रही है पिछले 5.5 साल से। और ये घर, ये हमारा आवासीय व्यक्तिगत घर है जिसमें हम बहुत कम ऊर्जा का उपयोग करते हैं। एमपीईबी का कनेक्शन है पर बिजली बहुत कम मिलती है हमें। तो हम ये 19 स्ट्रीट लाइट पड़ोस में अपने गाँव को निशुल्क दे रहे हैं, और यहाँ पर भी अपने उपयोग के लिए कुछ पंखा, कुछ कंप्यूटर, एलईडी लाइट, अपने काम के लिए हम लोग इस अपने पावर स्टेशन से हमें मिल जाती है। यहाँ पर अचानक एक, जब हम यहाँ ये घर बनाया 2011 में, यहाँ शिफ्ट होने वाले थे, उसी समय एक सड़क दुर्घटना हमारे दोनों के साथ हुई जिसमें मेरे पति चल बसे, वो नहीं रहे, लेकिन उन्होंने ये जो घर बनाया वो थोड़ा सा ही काम बचा था। 10 जून 2011 को आकर हम लोग, ये नंदा राजेंद्र एक परिवार है हमारा, ये जो बरली संस्थान में ही हमने इनको प्रशिक्षित किया,
1998 में, तभी से इनके दो बच्चे हैं यहाँ पर। हमारे पास एक गाय है, उनके दो बछड़े हैं, एक कुत्ता है, हम 9 लोग यहाँ रहते हैं। और जब हम लोग यहाँ आए तो हमने इस जगह का नाम दे दिया जिमी मगिलिगन सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आम तौर पर लोग ऐसा सोचते हैं जीडीपी, या लोग सोचते हैं पर्यावरण और संसाधनों का सस्टेन करना, अनवरत चलना। लेकिन मुझे ऐसा समझ में आया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब हम इंसान सृष्टि के रचयिता के साथ अपने रिश्ते को समझें, उसकी और उसकी समस्त रचनाओं का रिश्ता समझते हुए अपनी आध्यात्मिक जिम्मेवारी के लिए हर पल इस बात का ख्याल रखें कि हमें इस दुनिया में ईश्वर ने भेजा है कि हम उसको और उसकी रचनाओं को आगे ले जाने का सेवा देते रहें। तो इसके लिए ये ज़रूरी है समझना कि जो 5 तत्व हैं उनकी हमारी स्थिति अभी बहुत ख़राब है। हवा की, पानी की, आकाश की, सब कुछ प्रदूषित है, और अग्नि सूर्य हमें दे रहा है और उसको हम ले नहीं रहे। तो ईश्वर की जो रचनाएं, हम इंसान हैं, हमारा इंसानों से क्या रिश्ता है, मानव जाति से क्या रिश्ता है, प्रेम और एकता के साथ मिलकर हम लोग पशु जगत, पशु पक्षी जगत, जीव जगत और वनस्पति जगत और खनिज जगत, जो ज़मीन के नीचे निकलने वाली सब चीज़ें हैं, इनको सबका उपयोग करें पर उपभोगी नहीं बने। और इनको आगे हम कैसे इनका संरक्षण करते जाएं, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये ज़रूरी है कि हमारी जीवन शैली सस्टेनेबल हो। तो उसमें ये बात सामने आ रही है कि यहाँ पर मैं 5 साल से रह रही हूँ, मैंने 5 साल में किसी भी रूप में कचरा नहीं किया है। मैं 4 चीज़ें बाजार से खरीद के खाती हूँ, बाकी सब अपनी उगाते हैं, और अपना सब कुछ सोलर से पकाते हैं, और जब बरसात है तो ब्रिकेट से खाना बनाते हैं। 1.5 साल से मेरे यहाँ एक टंकी पानी की, गैस की लगी हुई है। मैं एक छोटा ग्लास स्टील का अपने पर्स में रखती हूँ पूरा टाइम, ताकि 15 बार दिन में अगर पानी पीना है तो 15 बार वो पानी फिर से यूज़ नहीं करना पड़े, और किसी को 15 बार धोना नहीं पड़े, और मुझे प्लास्टिक की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे जीवन में और मेरे घर में कचरा दान नहीं है। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि हमारी सोच पहले जैविक होनी चाहिए, सस्टेनेबल हो, और उसके लिए ये ज़रूरी है कि हमारे पारिवारिक संबंध, हमारा पति पत्नी का जीवन सस्टेनेबल, हमारे परिवार के साथ हमारा रिश्ता सस्टेनेबल, और फिर हम आगे खाएं पिएं वैसा सोचें। कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन, तो जैविक खाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम लोगों ने जैविक सेतु की स्थापना की इंदौर में। और यहाँ पर राखी पे हम लोग पेड़ लगाते हैं, होली पे नेचुरल रंग बनाते हैं और लोगों को बनाना सिखाते हैं, और यहाँ के बच्चे अब रंग बना के बेच रहे हैं। तो अपने मसाले, अपनी औषधियाँ, कोई थोड़ी सी तकलीफ होती है, मैं साबुन वगैरह का उपयोग नहीं करती हूँ। अभी सुबह उठे और ग्वार पाठा निकाला, काटा और अपने शरीर पे लगा लिया और नहा लिए। तो हमें प्रकृति ने इतना दिया है, प्रकृति हमारे लिए सब देती है, और प्रकृति को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें प्रकृति की ज़रूरत है। और एक बात ये भी समझ में आई है कि जैसे मैं 15 साल की थी, मेरा ओपन हार्ट सर्जरी हुआ, जब से मैं ठीक हुई तब से मैंने सोचा मैं ईश्वर को धन्यवाद देने में जीवन लगाऊंगी। वो सपना मेरा 1965 से आज तक, वो सपना मैं ईश्वर को धन्यवाद दे रही हूँ। 2007 में मुझे कैंसर हुआ, मेरी 4 सर्जरीज हुई। उसके बाद मुझे ये समझ आया कि कैंसर केमिकल्स के कारण बहुत हो रहा है। फिर मैंने जैविक के ऊपर बहुत ध्यान देना शुरू किया, और कैंसर रोगियों के साथ भी काम करती हूँ, और पूरा टाइम पिछले 5 साल में करीब 35,000 स्टूडेंट्स को यहाँ पर फ्री ट्रेनिंग,
बुला बुला के, और लोग अपने आप ग्रुप्स आते हैं और मुझे बुला के मैं टॉक्स देती हूँ उनको। और इसके अलावा अभी हमारे जब मेरे पति का और मेरा एक्सीडेंट हुआ और वो चले गए अचानक, तो मुझे ये भी लगा कि हमारे पास ये चॉइस नहीं है कि हम मरेंगे कैसे, लेकिन हमारे पास ये चॉइस है कि हमें जीना कैसे है, हम कैसे जी सकते हैं। हम इंसान हैं, इंसान और जानवर में इतना ही फर्क है कि हमारे पास ईश्वर ने विवेक की शक्ति दी है और ईश्वर ने हमें आत्मा दी है, और हम अपना और परमात्मा का। और अभी मैं पूरा टाइम देखती हूँ कि लोग सुरक्षा की बहुत बात करते हैं और सीसीटीवी कैमरे की चिंता करते हैं। मुझे लोग, जब मैंने बरली संस्थान में 1985 में जंगल उजाड़ में आके मैंने काम करना शुरू किया, मैं अकेली जवान महिला थी, लड़की थी, तो मुझे लोग पूछते थे आपकी सुरक्षा क्या है। अभी 26 साल के बाद जब मैं यहाँ आई तो यहाँ कुछ नहीं था। आज भी लोग 5 साल के बाद पूछते हैं आप अकेली रहती हैं, आपकी सुरक्षा क्या है, तो मैं उनको बोलती हूँ मेरी सुरक्षा ईश्वर है। मुझे ऐसा लगता है कि जो हम अभी हर चीज़ सीसीटीवी कैमरा में होना, अगर ईश्वर का डर हमारे अंदर हो और ईश्वर का प्रेम हमारे अंदर हो, तो हमें दुनिया में हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, हमारा जीवन सस्टेनेबल होगा, हमारे रिश्ते सस्टेनेबल होंगे। लेकिन उसके लिए हमें हमारी संस्कृति, हमारा जीवन, हमारा खान पान, वो पुरानी चीज़ें सब जो हमारी दादी नानी के नुस्खे थे वो वापस जिंदा करने हैं। भारत की पुरानी जो हमारे बीज हैं, अभी हमारे बीज पर भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने कब्जा कर लिया है, बहुत पेड़ लगाने हैं। और अभी रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी इसीलिए किया है, मुझे ऐसा लगता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तैयार करें। और मेरे जीवन में, मैंने रिटायरमेंट के बाद, मेरी कोई पेंशन नहीं है, मेरे पास कोई आमदनी का साधन नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है, लेकिन मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि दो रोटी एक टाइम पे खाती हूँ, शाम को भोजन नहीं करती हूँ पिछले 7 साल से, तो मुझे धरती माँ भोजन देती है और सूर्य भगवान एनर्जी देते हैं। और मैंने मेरी गैस टंकी, प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी ने जब सब्सिडी मांगी तो मैंने गैस की सब्सिडी भी उनको दे दी। तो मुझे लगता है कि मुझे केवल एक ही चीज़ की ज़रूरत है कि जो मेरे से बनता है, ये जानकारी जितनी मुझे है, जितना अनुभव मुझे है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिखा पाऊँ। तो बच्चे तैयार कर रही हूँ, बड़ों को तैयार कर रही हूँ, और सबके साथ मिलजुल कर काम करने की कोशिश करती हूँ। और मुझे बहुत सहयोग मिलता है भारत सरकार का, मध्य प्रदेश सरकार का, इंदौर, हमारे सारे सरकारी अधिकारियों का।